मंगल के दिन आज मध्य प्रदेश में बड़ा दंगल हुआ और दंगल किया कांग्रेस पार्टी ने। कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के बजरंग बली के नाम से दिक्कत थी, लेकिन आज मध्य प्रदेश में पूरी की पूरी बजरंग सेना ही कांग्रेस पार्टी में आ गई। अब तक आपने जय श्री राम और जय हनुमान के नारे बीजेपी नेताओं की रैलियों में खूब सुने होंगे, बीजेपी के दफ्तर में सुने होंगे, लेकिन आज मध्य प्रदेश कांग्रेस का दफ्तर भगवामय हो गया। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में जय श्री राम और जय हनुमान के नारे लगाए गए। भोपाल में जो कुछ भी हुआ उसके सूत्रधार बने प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष और पूर्व सीएम कमलनाथ। इस रिपोर्ट के जरिए समझिए। राम कृपा बिन सुलभ न सो, मध्य प्रदेश में कांग्रेस का मास्टर स्ट्रोक। शिवराज या कमलनाथ, अब की बार हनुमान जी किसके साथ? कर्नाटक का विक्ट्री फॉर्मूला एमपी में कमलनाथ ने अपना लिया। आज से ठीक 5 महीने बाद मध्य प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होने वाला है और यह तस्वीर एमपी के बीजेपी कार्यालय की नहीं बल्कि कांग्रेस कार्यालय की। एमपी में कांग्रेस ने बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को हाईजैक कर लिया। अब इसे कांग्रेस की पॉलिटिक्स कही या कमलनाथ का स्टाइल ऑफ इलेक्शन? अगर आप अभी भी नहीं समझे तो 4 तस्वीरों को देखकर समझिए। पहली तस्वीर बागेश्वर धाम की, जहां कमलनाथ कांग्रेसियों के साथ बाबा का आशीर्वाद लेने पहुंचे थे। दूसरी तस्वीर एमपी कुबेरेश्वर धाम वाले पंडित प्रदीप मिश्रा की, जिनकी लोकप्रियता किसी से छिपी नहीं। तीसरी तस्वीर सपरिवार रुद्राभिषेक की और चौथी हनुमान चालीसा के पाठ की। कर्नाटक में बीजेपी ने बजरंग बली को चुनावी मुद्दा बनाया था, लेकिन मैंडेट कांग्रेस को मिला। लेकिन एमपी में शिवराज कुछ कर पाते, उससे पहले ही कमलनाथ ने बजरंग बली का नाम लेकर अपना चुनावी प्रोग्राम शुरू कर दिया है। मध्य प्रदेश में कांग्रेस पार्टी हर जिले में सुंदरकांड करवा रही है। कमलनाथ के साथ कांग्रेस कार्यकर्ता हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं। भोपाल में कांग्रेस पार्टी भागवत कथा करवा रही है। आज ही भोपाल में कमलनाथ ने बजरंग सेना नाम के संगठन को कांग्रेस में शामिल करवाया है। बीजेपी के खिलाफ मोर्चा बंदी करने में कांग्रेस बिल्कुल भी पीछे नहीं है। कमलनाथ इस बार पूरी प्लानिंग के साथ बीजेपी के हिंदुत्व वाले एजेंडे को बीट करने की प्रिपरेशन करके चल रहे हैं। जय जय श्री राम के नारे ये बीजेपी कार्यालय में नहीं लग रही है, उस कार्यालय में लग रहे हैं जिसे बीजेपी हमेशा कहती आई है कि ये सॉफ्ट हिंदुत्व की पिक पर कमलनाथ यानी कांग्रेस कार्यालय है। और ये कांग्रेस कार्यालय में आपको लगातार जय श्री राम के नारों का उद्घोष सुनाई देगा। तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। अब जय श्री राम के नारों के साथ बजरंग बली के नारे भी आपको कांग्रेस में सुनाई देंगे। सामने आप कमलनाथ को देखा सर, जय श्री राम के नारों के साथ कांग्रेस गूंज रहा है सर। कोई नारा जी देखा तो बीजेपी ने लिया है जी जी जी। सेना राम चौराहा मुंह में लग रहा है। आज कांग्रेस को समर्थन दिया, इन्होंने सच्चाई का साथ दिया। वो भी एहसास कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश कहाँ घसीटा जा रहा है। भ्रष्टाचार हुए, बेरोजगारी हुए, कृषि क्षेत्र हुए, और मैं उनको बधाई देता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ कि उन्होंने सच्चाई का साथ दिया। कांग्रेस के जो तमाम कार्यकर्ता है
जोश में दिखाई दे। तस्वीरों का रुख जरूर बदल चुका है, पहले इस तरीके के नारे आपको बीजेपी कार्यालय में लगते हुए दिखाई देते हैं, लेकिन चुनाव में बस 5 महीने बाकी और अब इस तरीके के नारे यहाँ कांग्रेस कार्यालय में लगते हुए दिखाई दे रहे हैं। दरअसल पूरी की पूरी तस्वीर जो है अब वो बदल चुकी है, कांग्रेस सॉफ्ट हिंदुत्व से हार्ड हिंदुत्व की ओर कर्नाटक चुनाव में मिली जीत के बाद साफ तौर पर आ चुकी है, और यही वजह है कि अब 5 महीने पहले चुनाव के 230 विधानसभाओं में लगातार हनुमान चालीसा, भगवत गीता के साथ रासलीला, रुद्राभिषेक, सुंदरकांड, तमाम ऐसे आयोजनों के हमारे साथ बात करने के लिए वरिष्ठ कांग्रेस के नेता भी है। तस्वीर बदल गई है, ये नारे हमने बीजेपी कार्यालय में देखे थे। मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष आदरणीय कमलनाथ जी ने पहले भी कहा है कि धर्म किसी की बपोती नहीं है, धर्म सबके लिए है, आस्था का विचार का विषय है। कमलनाथ जी ने आज से पहले छिंदवाड़ा में 18 साल पहले एक मूर्ति लगवाई थी, आज आपके सामने है, और आप देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी में भगदड़ मच गई है, धर्म के नाम पर लोगों को ठगा है, अब खुलासा हो चुका है। 230 विधानसभाओं में हनुमान चालीसा से लेकर तमाम पार्ट होंगे, सुंदरकांड होंगे, हनुमान चालीसा होंगे, सारे कार्यक्रम होंगे, निश्चित रूप से धर्म की बात होगी। मैं आपको तस्वीरें कांग्रेस कार्यालय की दिखाता हूँ, यहाँ पर इस तरीके के जो तमाम भगवा पहने हुए जो लोग हैं वो आपको बीजेपी कार्यालय में दिखाई देते थे, लेकिन ये तस्वीरें पूरी तरीके से बदल चुकी है। ये तमाम भगवाधारी जो हैं अब ये तस्वीरें आपको आश्चर्य में जरूर लाएंगी, लेकिन रुख पूरी तरीके से इन विधानसभा चुनाव में अगर कहा जाए हिंदुत्व का ये है तो पलट चुका है, तो वो गलत नहीं होगा। गौर करने वाली बात यह है कि 2018 के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी की धार्मिक यात्राओं को बीजेपी ने बड़ा मुद्दा बनाया था, लेकिन 2023 में ऐसा ना हो इसके लिए कमलनाथ ने पहले ही धार्मिक प्रकोष्ठ का गठन किया और पूरे प्रदेश में कांग्रेस कार्यकर्ताओं के धार्मिक कार्यक्रमों का खाका तैयार कर दिया। आज कमलनाथ ने कहा कि धर्म विचार का विषय है, ना कि राजनीतिक प्रचार का। दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह ने बीजेपी पर नफरत फैलाने का आरोप लगाते हुए कांग्रेस को एक बार फिर मोहब्बत की दुकान बता दिया। महाकाल में घोटाला, नर्मदा घोटाला, जहां देखो घोटाला ही घोटाला, ये आज प्रदेश की तस्वीर है। और मुझे इस बात की बड़ी चिंता है, अपने जीवन की नहीं, मुझे चिंता है कि हम कैसा प्रदेश सौंपना चाहते हैं आगे आने वाली पीढ़ियों को। ये आज नाटक की, बैठकी की, घोषणाओं की जो राजनीति है, क्या ये हमारे प्रदेश को सुरक्षित रख सकती है? अभी बात करें हमने धर्म की, धर्म आचार का विषय है, विचार का विषय है, राजनीतिक प्रचार का विषय है। ये हमें याद रखना है, राजनीतिक प्रचार का विषय नहीं है। हम जब राजनीति को मंच पर लाते हैं, ये हम कौन से रास्ते पर चलना चाहते हैं? मॉल अगर कोई है तो पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी ने जिस प्रकार की नफरत फैला रखी है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जो सांप्रदायिक मुस्लिम संगठन है उन्होंने जो फैला रखी है, ये सब नफरत का मॉल उनका है। हमारी तो छोटी सी मोहब्बत की दुकान है, जो अब धीरे धीरे उसके काफ़ी CNF एजेंट हमको मिलने लगे हैं। हुकुम, ओवैसी की भी एंट्री हो रही है मध्य प्रदेश में, सपा भी आ रही है, आम आदमी पार्टी आने दीजिए, आने कांग्रेस को वो तो भाजपा के जैसा हो, जो चाहेंगे भाजपा करेगी। मध्य प्रदेश के अंदर बीते 20 सालों में कांग्रेस समझ चुकी है कि बीजेपी को हराने के लिए बीजेपी की ही पिच पर खेलना जरूरी है। यही वजह है कि अब सर्वधर्म सद्भाव की बात करने वाली कांग्रेस के कार्यालय में बीजेपी के पेटेंट जय श्री राम और जय बजरंगबली के नारे भी सुनाई देने लगे हैं, और कांग्रेसी नेता धार्मिक दरबारों में चुनावी वोटों की राजनीति के लिए हाजिरी भी भरते दिखाई दे रहे हैं। भक्ति या हिंदू धर्म में आस्था या सनातन धर्म में आस्था में कोई प्रश्न चिन्ह लगाने की स्थिति में नहीं है। महात्मा गांधी के नेतृत्व में जब आजादी की लड़ाई चल रही थी तो रघुपति राघव राजा राम से भजन से आंदोलन की शुरुआत होती थी, और जब उनकी हत्या की गई तब भी उनके मुंह से राम राम निकला। तो ये राम हम लोगों के रोम रोम में समाया, ये किसी का कॉपीराइट नहीं है, ये धर्म कोई कॉपीराइट नहीं है, ये इसका इस्तेमाल केवल राजनीति के लिए करते हैं। ये राम वनगमन पथ का इस्तेमाल राजनीति लिए करना चाहते हैं, लेकिन हम राम वनगमन पथ में राम के पथ पे चलना चाहते हैं। सीता जी को भी अलग करते हैं, जय जय श्री राम बोलते हैं, हम बोलते हैं जय श्री राम।
तो ये इनकी प्रवृत्तियां अलग है। हम लोगों की प्रवृत्ति केवल ये है कि इनका आशीर्वाद लो, सीताराम का, राधा कृष्ण का, पवन सुत हनुमान का, फिर ये न्याय करेंगे हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक की तरफ। क्या हम तो स्वागत करेंगे, हर एक व्यक्ति हनुमान चालीसा पढ़े, हर एक व्यक्ति भागवत का श्रवण करे, हम तो चाहते हैं, पर मुंह में राम बगल में छुरी, इससे काम नहीं चलेगा। कांग्रेसियों, चुनाव आता है तो हनुमान जी याद आ जाते हैं, और चुनाव के पहले यही कमलनाथ जी हनुमान जी का केक बनाकर उस पर छुरी चलाते हैं। चुनाव आ जाता है तो राहुल गांधी कोर्ट के ऊपर जनेऊ पहन के महाकाल बाबा का त्रिकुंड लगा लेते हैं, और ये वही कांग्रेस है जो राम मंदिर बनाने का विरोध करती है। चुनाव आ जाता है तो प्रियंका दीदी गंगा में डुबकी लगाती हैं, और यही प्रियंका जी की मम्मी सोनिया गांधी राम सेतु तोड़ने का षड्यंत्र करती हैं। आपकी कथनी और करनी में अंतर है। आप हनुमान चालीसा भी पढ़ रहे हो तो उसके पीछे का भाव राजनीतिक है, यदि आप भागवत श्रवण का श्रवण भी कर रहे हो तो आप उसमें राजनीतिक फायदा देखना चाहते हो। कांग्रेसियों, जनता को तो गुमराह करो, भगवान को गुमराह करने की कोशिश ना करो। एमपी में कांग्रेस फ्रंट फुट पर आकर बीजेपी का गेम खेल रही है, और चुनाव से पहले सभी 230 विधानसभा में सुंदरकांड, रासलीला, भगवत गीता कराने जा रही है। इसी कड़ी में आज से ही कांग्रेस 7 दिनों तक चलने वाली श्रीमद् भागवत कथा और रुद्राभिषेक कराने जा रही है। भारत में धर्म के आधार पर चुनाव लड़े और जीते भी जाते हैं, ऐसे में मध्य प्रदेश में चुनाव में महज 5 महीने बाकी हैं। तमाम राजनेता मंचों पर दिखाई देते हैं या मंचों पर राजनेताओं की तस्वीर दिखाई देती है। इस वक्त यहाँ जो भगवत गीता चल रही है, अगर आप मंच देखेंगे तो मंच पर, इस भगवत गीता के मंच पर आपको मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ के साथ जो इस यज्ञ के यजमान हैं पूर्व मंत्री पीसी शर्मा, उनकी तस्वीर भी दिखाई देगी। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह भी दिखाई देंगे। साफ तौर पर 2023 में बीजेपी, जो कांग्रेस है, वो हार्ड हिंदुत्व की लाइन कहीं ना कहीं पकड़ते दिखाई दे रही है। यही वजह है कि तमाम नेता अब तमाम साधु संतों के मंचों पर दिखाई देते हैं, और यही अब आपको भीड़ इस तरीके की, तमाम जो कांग्रेस के कार्यालय हैं 230 जिलों में, 230 विधानसभाओं में, इसी तरीके से अब हनुमत कथा होगी, बजरंग बली का पाठ होगा, सुंदरकांड होगी और भगवत गीता का पाठ भी होगा। ये तस्वीरें इस वक्त राजधानी भोपाल की हैं। मतलब मध्य प्रदेश में कमलनाथ ने इलेक्शन से पहले ही बीजेपी के मुद्दों को हाईजैक करना शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान इस वक्त लाडली बहन योजना की पब्लिसिटी में लगे हैं। इलेक्शन ईयर में शिवराज सिंह चौहान ने हर महिला को 1,000 रुपए प्रति महीना देने की योजना शुरू की है, और आज इसके एक कदम आगे बढ़कर शिवराज सिंह चौहान ने लाडली सेना बनाने की भी घोषणा कर दी। मैंने तय किया, फैसला किया है बहनों, लाडली बहना योजना के साथ हर गांव में लाडली सेना बनाएंगे, लाडली बहना सेना। और ये क्या होगी, जितनी योजनाएं अपनी हैं, चाहे वो स्वसहायता समूह की योजना हो, चाहे वो मुख्यमंत्री कन्यादान हो, चाहे बेटा बेटियों की पढ़ाई की योजना हो, चाहे लाडली लक्ष्मी योजना हो, चाहे लाडली बहना योजना हो, इन सब योजनाओं की देखरेख मेरी बहनें खुद करेंगी। बोलो, करोगे कि नहीं? जोर से, हर गांव में कलेक्टर सुनने प्रक्रिया को तुरंत प्रारंभ करो, हमारे जनप्रतिनिधि भी प्रारंभ करें। छोटे गांव में 11 बहनें और बड़े गांव में 21 बहनें, इनकी टीम बनेगी। हम कोई पे काम नहीं छोड़ेंगे, इस टीम को मैं सारा काम दे दूंगा कि तुम मिलके करो, तुम मिलके करो बहनों की चिंता। बोलो, मेरा साथ दोगी? सबका ने बताओ, मेरा साथ दोगी? एक लाडली बहना टीम, उसकी लाडली बहना सेना, ताकि इन योजनाओं को ढंग से लागू करें। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भले ही 5 महीने का वक्त बचा है, लेकिन अभी से सूबे का माहौल चुनावी हो चुका है। शिवराज सिंह चौहान बैक टू बैक घोषणाओं का पिटारा खोलने लगे हैं, और कांग्रेस ने इलेक्शन के पहले बीजेपी का हिंदुत्व वाला एजेंडा हाईजैक कर लिया है।
इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।